तो यही चीज़ है। अब चलें, अब चलते हैं कॉर्निश एरिया में आपको लेकर के, और कॉर्निश एरिया में देखते हैं कि वहाँ पे कैसा व्यू है, कैसा मंजर है। ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आ चुका हूँ सूक वाकिफ, और जैसा कि आपको पता है कि आज ईद उल अज़हा है यहाँ पे कतर में, और मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूँगा लोगों से कि लोगों को जो ईद यहाँ पे मना रहे हैं वो कितने सालों से मना रहे हैं और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे ईद मनाने का। तो चले चलते हैं, जो भी इंशाल्लाह मुझसे मुलाकात होगा जिनका भी, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा और आपसे शेयर करूँगा कि उनको कैसा लगता है ईद मनाने में यहाँ पे इंडिया में या कतर में, अरब कंट्री में। और आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपका क्या कहना है, अगर आप भी किसी गल्फ कंट्री से बिलोंग करते हैं या कभी आप रह चुके हैं। चले इंशाल्लाह वेट करें। तो यहाँ पे भी ये भी मंज़र देखे, काफ़ी अच्छा मंज़र है ये, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, और ये कहाँ से आप लोग? नेपाल से। नेपाल से आप लोग हैं? कितना साल से यहाँ पे आप लोग? अभी 2 महीने हुआ। फर्स्ट टाइम गल्फ कंट्री में आए आप लोग? हाँ, आपका ही फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है आपको गल्फ कंट्री? बहुत अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे काम तो बहुत दिक्कत चल रहा है। अभी अभी क्राइसिस काम को लेकर के काफी ज्यादा है, बहुत दिक्कत है। एक्चुअली हम भी काम अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप भी अभी नहीं कर रहे हैं? 4 महीने से बैठ के इधर खा रहे हैं। तो अभी ईद, आज पहला दिन ईद का, कैसा लग रहा है आपको ईद का? बहुत अच्छा है। दोस्तों के साथ आपने ईद नहीं मनाया? बहुत दोस्त मिले उधर भी, अभी दोस्त से मिलने जा रहे हैं यहाँ पे। आप सेम सेम है? आप कम बोल रहे हैं, आपकी शादी हो चुकी है क्या? इसी के लिए कम बोल रहे हैं? अच्छा, बोलते कम है, चले कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी शेख नवाबुल्ला। शेख नवाबुल, तो आप कहाँ से? नेपाल के रहने वाले? जी नेपाल से रहने। और फर्स्ट टाइम आप गल्फ कंट्री में आए? जी फर्स्ट टाइम कतर में, फर्स्ट टाइम है। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो ईद आपने सेलिब्रेट किया आज, आज का दिन? हाँ जी, ईद। तो इसी ईद में आप सबसे ज्यादा किसको मिस कर रहे हैं अपने नेपाल में? फैमिली को? फैमिली में मतलब वाइफ है, गर्लफ्रेंड है? बाप माँ। मतलब शादी हो चुकी है आपकी, तो आप सबसे ज्यादा वाइफ को मिस कर रहे होंगे? जी वाइफ है, बाप माँ। अच्छा, मतलब पेरेंट्स को भी आप मिस कर रहे हैं? तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कल ईद नेपाल में होने वाला है, वहाँ पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही चाहते हैं कि अच्छा से मने, सब मिल करके अच्छे से सेलिब्रेट करें, राइट? ओके, यहाँ पे किस चीज़ में आप, किस काम में आप यहाँ पे आए? यहाँ क्लीनर के काम। कितना सैलरी होगा आपको यहाँ पे? 1000+300। 1000+300, चले ठीक है, मुश्किल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या हुआ आपका? शेख नजाउल्ला। शेख नजाउल्ला, नेपाल से आप भी नेपाल के रहने वाले हैं, फर्स्ट टाइम गल्फ कंट्री में आपका? तो आपको कैसा लग रहा है गल्फ कंट्री? अच्छा लग रहा है। थोड़ा तेज बोलो। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आपकी शादी हो चुकी है? मतलब हाँ, शादी हो गई है। किससे? लड़की से हुई है। अच्छा, लड़की से। तो लड़की से होती नहीं आजकल, वो आप देख रहे होंगे बहुत से लोग जो है वो मतलब मेल मेल और फीमेल वो सब भी चलता है, वैसा नहीं। चले, तो आप किसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पे? सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं इस बकरीद में अपने अब्बू अम्मी। अबू अम्मी को? फिर वाइफ है? वाइफ है। तो ऐसा तो नहीं कि वीडियो देखने के बाद आपकी वाइफ आपको फिर कुछ बोले? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि अबू अम्मी को पहले आप मिस कर रहे हैं फिर आप हमको मिस कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो अबू अम्मी, अबू अम्मी कोई है। चले ठीक है, तो आपका फर्स्ट टाइम गल्फ कंट्री है, कैसा आपको नेपाल में और यहाँ पे जो ईद सेलिब्रेट किया कैसा लग रहा है आपको? दोनों में से कंपेयर अगर करें, अच्छा कहाँ लगा? अच्छा तो कहीं भी अपना देश में लगता है। बिल्कुल, एकदम एग्जैक्टली यही बात है कि सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है वो ईद ही लगता है अपना। चले इंशाल्लाह ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कॉर्निश एरिया में आप देखे भीड़ बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और लोग भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं सब ईद सेलिब्रेट करने के लिए। आज का दिन है। सलाम अलैकुम, ईद मुबारक। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, माशाल्लाह। आगे चलते हैं, साइड से भी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। आप देखें पुलिस उस साइड भी, हमारे सामने पुलिस खड़ी हुई है, और इस साइड में भी देखें काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, उस एरिया में जो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो आज काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रीक है, वो सिग्नल जो आप रेड कलर का देख रहे हैं वो जब ग्रीन होगा तो उसके बाद ही हम लोग जा सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जब ग्रीन नहीं भी होता है, टाइम लगता है, तो भी जाने का परमिशन दे देते हैं, देखते हैं ग्रीन होता कि नहीं। देखें ग्रीन हो गया है, अब सब जाने लगे लोग।
यस सलाम अलैकुम। यस कहाँ से आप लोग? नेपाल। नेपाल से हैं। कैसा लगा आप लोग आज पहला दिन? तो आप लोग फर्स्ट टाइम आप लोग कतर में? नहीं नहीं, इधर हम पहले भी आ चुके हैं। अच्छा पहले भी है। तो आपको कहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है, नेपाल में या फिर कतर में? नेपाल ये भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मौसम अगर अच्छा होता नेपाल की तरह तो और अच्छा होता। तो नेपाल में ज्यादा मतलब मजा आता है। तो आप फैमिली को सबसे ज्यादा मिस करते होंगे? फैमिली में किसको? वाइफ को, बच्चे को, पेरेंट्स को, सभी को? शादी हो गई मतलब आपकी? किससे हुई आपकी शादी? लड़की से होगी। लड़की से आपकी? मेरी नहीं हुई। अजय आपकी आपकी शादी नहीं? मतलब इसीलिए मतलब फिट फाट एकदम जिम विम कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं सिर्फ पहले चले। कोई बात नहीं, ठीक है, एंजॉय करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल का नाम? चैनल का नाम है मेरा सलीम जन। अस्सलाम वालेकुम। तो आपका नाम क्या हुआ? कौसर मियां। कौसर मियां कहाँ से? आप बांग्लादेश से? तो आप कितने साल से यहाँ पे? चार साल से। तो चार साल में आपको ईद मनाने में कहाँ ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ कतर में या फिर बांग्लादेश में? कतर में अच्छा लगता है। क्यों? घूमने के लिए बहुत अच्छे। वहाँ पे मतलब फैमिली, वाइफ, बच्चे, ऐसा कोई सीन नहीं है? में तो थोड़ा फैमिली भी तो मिस करते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ यहाँ पे जो है घूमने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए आप लोगों को अच्छा लगता है ना? तो आप कल जो है बांग्लादेश में ईद होगा, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बांग्लादेश वाले को? वही मैसेज देगा। हम भी बहुत हैप्पी है। आप लोग भी हैप्पी है? तो आप लोग क्या चीज में यहाँ पे, कितने साल से आप लोग क्या काम कर रहे हैं? अच्छा इलेक्ट्रीशियन, एज अ लाइक इलेक्ट्रीशियन है। तो आप लोग कितना सैलरी देता होगा यहाँ पे? फिर भी मिलता है, एक महीना काम करके तो 2000 रियाल मिलता। अच्छा 2000 रियाल मिलता है। चले तो फिर ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। चले अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम, ईद मुबारक। सलाम अलैकुम, ईद मुबारक। अभी देखें यहाँ पे भी काफी पब्लिक फिर आ रही है। भीड़ भी जो है आज काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं ईद में, ईद उल अज़हा में काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छी जगह पे है, अच्छी जगह है ये घूमने के लिए। यहाँ पे भी लोग देखे बैठे हुए हैं, सब सुकून की तलाश में है। इस साइड भी लोग देखे सब यहाँ पे खड़े हुए। और इस साइड में तो सब बहुत ही ज्यादा भीड़ है। आज रेट जो है कम हो गया बोर्ड का, आज 10 रियाल है, वरना इससे पहले तो ज़्यादा लेता था। कहाँ है?
अभी मैं इस साइड आ रहा हूँ सुखवाके मार्केट एरिया में। यहाँ पे भी देखे काफी ज्यादा भीड़ है पब्लिक। ये हमारे चारों साइड का ये मंजर है, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत मंजर है। ये कॉर्निश के फ्रंट में जो है ग्रीनरी पार्क है, ठीक है। ये आपका पीछे में आप जो देख रहे हैं ये अल्फनार का मॉस्क है, जहाँ पे इस्लामिक वगैरह मिलती है काफ़ी ज़्यादा। पीछे में जो इसका सुख वाकिफ है इस साइड। तो चले अब चलते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलें, अभी मैं कुछ लोगों से जानने की कोशिश करता हूं कि ईद आज पहला दिन है, ईद उल अज़हा है कतर में, और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है कतर का ईद का और इंडिया में ईद का। दोनों ही शख्स जो है इंडिया से बिलोंग करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चलें, तो आपका नाम क्या हुआ वैसे? नसीब अहमद। तो आप यहाँ पे किस पोस्ट में या क्या किस जॉब में आप यहाँ पे हैं? मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर कितने साल से हैं यहाँ पे? यहाँ पर मुझे तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल आपका चल रहा है, ओके। तो आपको यहाँ पे मतलब तीसरी बार आप ईद मना रहे होंगे यहाँ पे, है ना? हाँ जी जी। तो कैसा आपको एक्सपीरियंस लगा, आपको इंडिया का ईद और आपको कतर का ईद में कौन सा ज्यादा बेटर था आपका? भाई ईद तो देखिए, ईद नमाज तो हर जगह पढ़नी होती है, ओके। हाँ, लेकिन घर की ईद भाई फैमिली की ईद बात अलग होती है। फिलहाल मेरा भी है, एक भाई है, दोस्त है, तो थोड़ा बहुत इंजॉय यहाँ भी करते हैं, लेकिन भाई घर की तो याद आती है, घर घर होता है। ओके, तो घर में सबसे ज्यादा तो आपको पेरेंट्स ही याद आते होंगे? बिल्कुल भाई, माँ बाप को और भाई बहन जो होते हैं काफी याद आते हैं। ओके, तो आप ये यहाँ के बारे में हमको कोई एक चीज बताएं जो ईद में आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। ईद के भाई गल्फ की ईद तो मतलब ये कि नमाज पढ़े, रूम में जाके सो जाओ, दोस्त यार है तो किसी की दावत ले लिया, कोई कुछ ले लिया तो ठीक है, वरना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भाई जो जाके ईद की नमाज पढ़ के रूम में सो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गल्फ का जो लाइफ है वो यही लाइफ है, मैं अक्सर बोलता हूँ, लेकिन लोग हैं कि कतरी शेख समझते हैं। चले, तो एक चीज और जानने की कोशिश करते हैं कि आप इंडिया वाले, कल इंडिया में ईद होना है इंशाल्लाह, तो आप इंडिया वाले को क्या मैसेज देना चाहते हैं जब कल ईद उल अज़हा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई यही है, देखिए बकरा ईद है, कुर्बानी करें, अच्छी नीयत से करें, और लोगों का जो उसका हक होता है लोगों में तकसीम करें, यही चीजें हैं, और आपस में मेल जोल रखें और लोगों में मैं आता हूं सर आपके पास, एक मिनट आता हूं, आप भी बहुत बेसब्र हो रहे हैं, आप वेट करें, सब्र करें। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत से मैंने देखा है इंडिया में भी लोग, जैसे यहां पे बैंड है कि आप अपने सोसाइटी में नहीं कर सकते हैं, एक जो आप एरिया है, एक जो गवर्नमेंट ने जगह दिया है वहीं पर आपको कुर्बानी करना है। इंडिया में देखा मैंने, अब तो बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कि लोग जो है फोटो वगैरह वीडियो वगैरह शेयर कर देते हैं, जिसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए भाई, जो भी चीजें होती है नियत पे होती है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, कोई भी चीज करें वो अमल से नियत से करें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर जैसे बाहर कुर्बानी करते हैं तो थोड़ा खून खराबा होता है, तो जिस तरह से जिस सोसाइटी में रहते हैं बेहतर वही है कि उस चीज के गाइडलाइन को फॉलो करें। अगर वहाँ के सोसाइटी को मान लो बैन है कि खून खराबा नहीं कर सकते, उससे गंदगी होती है, ठीक है, तो उस चीजों को फॉलो करना चाहिए, बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे को तकलीफ दे के कोई काम करना, ये इस्लाम में भी चीजें नहीं है। बिल्कुल, अगर आपका आपका पड़ोसी या आपके लोगों से आपको तकलीफ में है तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने घर में अगर वो उतना जगह है तो करके रखिए, वरना आपका जो स्लॉटर हाउस है या जो भी आपका जगह है वहाँ से करके लाएं तो वही अच्छा है, थोड़ा सा आप सफाई का भी ख्याल रखें। सही बात है। इसी जो पड़ोसी की बात कहे तो मैं इस बात को खत्म करता हूँ इनके साथ, फिर मैं दूसरे शख्स से मैं बात करूंगा। अल्लाह के नबी का कॉल है कि 40 घरों का ख्याल रखना हर मुसलमान पे फर्ज है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उनका ख्याल रखना मतलब खाना पानी हर चीज से। तो चले मैं दूसरे शख्स से बात करता हूँ उनसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया में? इंडिया में कोलकाता से रहने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप क्या बताना चाहते हैं यहाँ के ईद के बारे में, कैसा ईद आपको गुजर रहा है यहाँ पे? ईद काफी अच्छा रहा, नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। बिल्कुल, नमाज आदमी कहीं भी पढ़ ले उतना ही सवाब मिलेगा जितना आप इंडिया में पढ़े या गल्फ में पढ़े। बस शर्त यही है कि फैमिली के साथ एक अलग खुशी होता है, घर पे रहते हैं सारे भाई बच्चे सब साथ रहते हैं, अच्छा लगता है। और खास तो करके इंसान को अपना फैमिली का वैल्यू जब ही समझ में आता है ना, जब वो घर से दूर हो जाए। बिल्कुल, जब इंसान को जो चीज़ नहीं मिलता ना तभी उसका एहसास होता, नहीं मेरे लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए इंसान को एक बार ना घर से दूर होना चाहिए ताकि अपनी माँ बाप अपने भाई का इज्जत करना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप घर में सबसे ज्यादा मिस किसको कर रहे हैं? पेरेंट्स को कर रहे होंगे जाहिर सी बात है। आप माँ बाप को तो सही मिस कर रहे हैं। फिलहाल दाढ़ी वाड़ी देख के लग रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है, ऐसा है? नहीं, नहीं, अभी शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं, मतलब नंबर में लगा होगा, है ना? आपकी हो गई क्या भाई? नहीं, मेरी नहीं हुई है, मेरा होने वाला है। पूछ रहे हो यार। और दूसरी बात की आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इंडिया वालों को, कल ईद होना है इंडिया में भी?
वैसे ही जैसे भाई ने कहा है कि दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, आदमी को बुरा लगता है जैसे कोई अदर कम्युनिटी की है ना, उनको ये चीज़ ख़राब लगता है, तो हम जाहिर सी बात है पर्दे में करें, कुर्बानी दिखाए करना तो नहीं है, दिखाए करना सुन्नत है। सही बात, जिसको जिस चीज़ से तकलीफ हो उससे बचाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बस इसी चीज़। बाकी अदर कम्युनिटी रिलीजन के लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं कल ईद को लेकर के आप? अब अदर कम्युनिटी को क्या दे, मिलजुल कर रहना चाहिए। इस्लाम तो यही चीज़ सिखाता है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं, मिलजुल के ये सबके साथ प्यार बांटना ही सिखाता है, इसी का नाम है इस्लाम। तो चले, तो मैं इन दोनों से भी मैं बात कर चुका हूँ और माशाल्लाह अच्छा इन्होंने अपनी जो राय है अपनी अच्छी इन्होंने बात रखी है। तो अब ये मेरा आज का जो ये ब्लॉग था, आज का जो मेरा एक टॉपिक था वो मेरा आज कंप्लीट हुआ। और आप अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक कर दें, और कमेंट में आप भी ज़रूर बताएं कि अगर आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर अरब से करते हैं तो अरब में आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसा लगता है आपको, और इंडिया में या गल्फ कंट्री में कौन सा बेटर जगह है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के सर्कल के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन तक भी मैसेज पहुँचे। चले, दुआ में याद रखें, शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम।